नाउ जियोपॉलिटिक्स में एक रूल हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती, कोई भी वॉर हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ज़रातार उसकी जो टाइमिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसराइल हमास वॉर की जो टाइमिंग है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट यूएसए में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि इस वॉर के पीछे बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत हो गई है रशिया और चाइना की, क्योंकि यूएसए चाहता था कि एक कॉरिडोर बनाया जाए इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में, और इस कॉरिडोर की मेन बैकबोन थी सऊदी अरेबिया और इसराइल के अच्छे रिलेशंस। और सिंस अब हमास और इसराइल की वॉर स्टार्ट हो चुकी है, सऊदी अरेबिया और इसराइल के रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं होने वाले। तो ये सब देखते हुए कई अमेरिकन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि क्या आईएमएफ किल हो चुका है, क्या अब लंबे समय तक आईएमएफ ठंडे बक्से में चला गया है, और इससे फायदा इवेंचुअली होगा रशिया, चाइना और प्राइमरली ईरान को, क्योंकि अब वापस जो चाबहार कॉरिडोर वाला जो रूट है जिससे इंडिया से आप सामान भेज सकते हैं यूरोप में, इस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा।